सो हेलो एडिटर्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक पीसी के लेवल का कलर ग्रेडिंग, जो कि आप अपने शॉर्ट्स एडिट में कर सकते हो, मोंटाज एडिटिंग में कर सकते हो। बहुत इजी है, केवल मतलब थोड़े से सिंपल स्टेप्स हैं, मैं अभी आप लोग को सिखा दूंगा। कुछ मिनटों में आप अपना खुद का भी सीसी बना सकते हो। अभी मैं आपको नया सीसी बनाना सिखाऊंगा। तो अपने डायरेक्ट हम चलते हैं अपनी एलाइट मोशन की स्क्रीन पर। देखो, काइन मास्टर में थोड़ी बहुत सीसी हो जाती, कलर ग्रेडिंग हो जाती है, बट उतनी मतलब अच्छी लेवल की नहीं हो पाती, पीसी लेवल की नहीं हो पाती है। एलाइट मोशन से सबसे इजी होता है। मैंने एक दो वीडियोस और बना के रखी है एलाइट मोशन में, अगर तुम लोग चाहो तो प्रीवियस वाली वीडियोस चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी हम डायरेक्ट चलते हैं अपनी एलाइट मोशन की स्क्रीन पर। सो, अभी हम आ चुके हैं अपने एलाइट मोशन की स्क्रीन पर। देखो, यहाँ पर नीचे प्लस का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके तुम अपनी वीडियो की रेशियो चेंज कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से रख सकते हो कौन सी वीडियो बनानी है, तुमको शॉर्ट्स बनाने या फिर मॉन्टेज वीडियो बनानी है। अपना रेशियो सेलेक्ट कर लो, मैंने 9:16 का लिया है। अपनी वीडियो क्लिप को इंपोर्ट करो, ठीक है, वीडियो क्लिप इंपोर्ट कर लो। उसके बाद मतलब प्ले करके देख लो आगे पीछे प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद बस तुमको जैसे जब स्टार्टिंग में आ जाना हो, उसके बाद एक लेयर ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लो, ठीक है। फिल स्क्रीन करना है, फिट स्क्रीन मत करना, क्योंकि कई बार मतलब छोटा पड़ जाता है। तो फिल स्क्रीन करने के बाद नीचे जाओगे, मतलब ऐड इफेक्ट करना है। उसके बाद अदर्स में जाके ना तुमको कॉपी बैकग्राउंड कर लेना है, ठीक है। कॉपी बैकग्राउंड कर लो, अब उसके बाद ऐड इफेक्ट फिर से करो। उसके बाद कलर एंड लाइट में जाना, नहीं नहीं कलर लाइट नहीं, उसके बाद ब्लर में जाओ, उसमें शार्पन इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। शार्पन इफेक्ट लगाओ उसको, फिर उसकी उस पर क्लिक करके स्ट्रेंथ उसकी कम कर लो, 20.26 रख लो, ठीक है, 0.26 कर लो। उसके बाद नया इफेक्ट ऐड करो। कलर एंड लाइट में जाओगे, उसमें मिल जाएगा तुमको एक्सपोजर एंड गामा, सेकेंड रो में मिल जाएगा। देखो, हाँ मैं भी ढूंढ ही रहा था, सेकेंड रो में मिल जाएगा तुमको एक्सपोजर एंड गामा, उसको ऐड कर लो। स्टैंडर्ड सेटिंग पे सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। उसके बाद एक्सपोजर को तो 0 रख दो, गामा को तुमको करना है 0.070। मैं एग्जैक्ट मार्किंग दे रहा हूँ, वो करोगे तो तुमको मतलब रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है, 0.70। और ऑफसेट तुमको कर लेना है 0.15, ठीक है। उसके बाद तुमको फिर उसको नीचे कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट ऐड करना है तुमको हॉट कलर्स करके, उसी में मिल जाएगा कलर एंड लाइट में, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ कलर एंड लाइट में मिल जाएगा तुमको हॉट कलर्स, थर्ड रो में मिल जाएगा, ठीक है। अब उसका जो कलर है वो पहले से रेड पे होगा, उसको ब्लू कर लेना, उसको मतलब ब्लू का जो सेंटर वाली लाइन जा रही है ना उस पर कर लेना, बस इतना हो गया। उसके बाद टिंट को उसको छेड़ना, मतलब टिंट वैसे रहने देना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, टिंट को मत छेड़ना। उसके बाद तुमको एक और इफेक्ट ऐड करना है, ऐड इफेक्ट करके ब्लर में जाओगे, गॉशियन ब्लर मिल जाएगा, ठीक है, गॉशियन ब्लर। और उसके बाद गॉशियन ब्लर को भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड करके उसकी स्ट्रेंथ रख लेनी है तुमको 550 रख लो, 0.550, ठीक है, 0.550 रख लेनी है। मैं 50 या 55 के अप्रॉक्स रखूँगा, उतने पे सही रहता है, वैसे 55 रख सकते हैं क्योंकि वो दिखने में अच्छा लगता है, 555 है ना। तो इतना करने के बाद उसके बाद इसको हटाओ। उसके बाद एक और इफेक्ट ऐड करना है, लास्ट इफेक्ट इसमें ऐड करना है, अदर्स में मिल जाएगा तुमको RGB, वो चैनल रीमैप, हाँ चैनल रीमैप करके उसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे करके देखो। इसको ध्यान से देखो, जो थर्ड वाली लाइन मतलब सेकंड वाली लाइन है उसको ज़ीरो कर दिया, मतलब ज़ीरो या ओ जो भी है। उसके बाद थर्ड वाला जी, फोर्थ वाला ए, ठीक है। उसके बाद उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद बस तुमको एक लास्ट इफेक्ट अब है ह्यू शिफ्ट करके मिल जाएगा, ह्यू शिफ्ट, ठीक है, जो अपनी लाइट ब्लू ब्लू मतलब जो पिंक लाइट है ना उसको ब्लू करनी है हम लोग को, ठीक है। तो अब इसको 60 डिग्री कर लो, 60 डिग्री पे ब्लू आ जाएगा, एकदम परफेक्ट ब्लू आ जाएगा। तुमको 60 डिग्री कर लेना है, मेरा थोड़ा वो सेट हो नहीं रहा था, आगे पीछे हो रहा था, एग्जैक्ट 60 पे तुमको एकदम बढ़िया वाला मिल जाएगा कलर, ठीक है। उसके बाद तुमको थोड़ा सा बैक करके एक और बार बैक करना है, मतलब जो ये क्रॉस का ऑप्शन था ना उसको करके इसको कर लेनी है ब्लेंडिंग, इसको कर लेनी है लाइट एंड पे स्क्रीन कर लेनी है, ठीक है। देखो, इसमें तुमको लग रहा होगा कि भाई इसका क्या मतलब, इतना मतलब करा दिया, बट ये समझ में आएगा तुमको, लास्ट में समझ में आएगा। अब तुमको एक और वो लेयर ऐड करनी है, उसको भी फिल स्क्रीन कर देना है, ठीक है, इसको भी फिल स्क्रीन कर दो, फिट स्क्रीन हो गया। देखो, मेरा बता रहा था ना कि वो थोड़ा रेशियो रह जाता है, तो इसको फिल स्क्रीन करना है, ऐड इफेक्ट करना है, इसमें भी कॉपी बैकग्राउंड ही करना है, ठीक है। कॉपी बैकग्राउंड कर लो स्टैंडर्ड सेटिंग पे। उसके बाद एक और नया अगला इफेक्ट लगाना है, जो कि तुमको क्या शार्पन लगाना है, फिर से शार्पन, क्योंकि वो हम लोग का इफेक्ट लगाने के बाद ना थोड़ा वो हो जाता है, डिटेलिंग कम हो जाती है, तो शार्पन लगा के इसको भी 0.26 ही कर लो, ठीक है।
0.26 करके, ये तुम लोग को ब्लर में मिल जाएगा शार्पन इफेक्ट। उसके बाद एक और लगाना है कलर एंड लाइट में जाके रिप्लेस कलर, ठीक है। अब जो रिप्लेस कलर वाला है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें थोड़ी डिटेलिंग तुमको चाहिए होगी। ग्रीन तुमको लगाना है, बट वो ग्रीन ऐसे नहीं, जैसे ग्रीन कलर चूज़ किया, उसके बाद ये जो साइड में जो बार जैसा है ना, उसको नीचे स्क्रॉल करो, उसको डार्कली ग्रीन कर लेना, ठीक है। ह्यू तुम्हारा 123 या 120 ऐसे कुछ आ जाएगा, उतना तुमको ध्यान नहीं देना, तुमको बस अपने हिसाब से कलर लगाना है। ग्रीन कर लेना, थोड़ा डार्क एंड ग्रीन कर लेना, ठीक है, क्योंकि पीछे का थोड़ा वैसा ही कलर है। इसको 40-45 के आसपास बीच में रख लेना, ठीक है, ये सही है। उसके बाद जो न्यू कलर है ना, उसमें रेड कर लेना पहले। मतलब देखो ये जो डॉट वाला है ना, उसके नीचे जो है, समझ में आ रहा होगा, देखो राइट राइट साइड में जो बना हुआ है ना छोटा वाला, उसमें करके रेड पे करके हल्का सा ब्राउन मतलब ब्लैकिश कर लेना, ठीक है, एकदम बेस्ट लगेगा ये वाला, ठीक है। हल्का सा रेड ब्लैकिश करके अगर एक बार सही हो गया ना, वो क्या बोलते हैं, मेजरमेंट एक बार सही हो गया ना, तो बहुत सही वाला कलर ग्रेडिंग बनने वाला है, ठीक है। एक बार ग्रीन हो गया, उसके बाद थ्रेशोल्ड तुमको चेंज नहीं करना है, 24-23 ऐसे कुछ कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजेस भी बहुत इफेक्ट डालता है, ठीक है। फेदर तुमको कर लेना है 53%, ठीक है, 50-53-50 ऐसे कुछ कर सकते हो, हाँ। और एल्फा तो 100 ही रखना है, उसके बाद सब चीज़ सही है। उसके बाद एक और इफेक्ट लगाना है तुमको, एक्सपोजर एंड गामा, ठीक है, एक्सपोजर एंड गामा लगा लो। एक्सपोजर एंड गामा स्टैंडर्ड सेटिंग में वहीं तुमको मिल जाएगा कलर एंड लाइट में। एक्सपोजर तुमको कर लेना है 0.33, ठीक है, 0.33 कर लेना है। उसके बाद गामा तुमको 0.600 कर लेना है, 0.600 या 630 कर लेना, 650 तक कर सकते हो तुम लोग, उसके बीच में तुम अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं 630 रखूँगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ चलते हैं, ठीक है। उसके बाद बस इतना करना है, उसके बाद तुमको एक न्यू लेयर ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे सारे काम हो गए, अब उसके बाद तुमको एक न्यू लेयर ऐड करनी है, ठीक है। कलर ग्रेडिंग अब तुम डिफरेंस देख सकते हो, तुम लोग खुद बता सकते हो कि डिफरेंस क्या है इसमें, ठीक है। अब तुमको एक नया लेयर ऐड कर लेना है, यहाँ पे नया लेयर ऐड कर लो, और उसको फिर फिल स्क्रीन करके इसका कलर तुमको ब्लैक कर लेना है, ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ब्लैक कलर करके। इसके बाद इसको कर लेना है तुमको ब्लेंडिंग ओपेसिटी में जाके कॉन्ट्रास्ट कर लेना। यहाँ पे मैं चेक कर रहा था कि कैसे क्या, सॉफ्ट सॉफ्ट ओवरले करना, सॉफ्ट लाइट पे मैं चेक कर रहा था बस, सॉफ्ट ओवरले करना है तुमको, ठीक है। यहाँ पे तुम अपने हिसाब से मतलब कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा सॉफ्ट ओवरले करो, बेस्ट लगेगा, सबसे बढ़िया उसी पे लगता है। मैं यहाँ पे चेक कर रहा था थोड़ा कि कैसा इफेक्ट क्या आएगा, बट उतना मतलब इंटरेस्टिंग था नहीं, उसको मैंने डायरेक्ट सॉफ्ट ओवरले किया बस, वहाँ पे एकदम बेस्ट था। अब इसको बस ये मैंने ओपेसिटी थोड़ी कम कर दी थी, ओपेसिटी 100 कर दूंगा अभी मैं, हाँ। ये देखो तुम्हारा बन गया बेस्ट लेवल का, मतलब एकदम पीसी लेवल का वाला कलर ग्रेडिंग, ठीक है। तुम लोग डिफरेंस देख सकते हो पहले वाले में और बाद वाले में, इतना ओपी लगेगा ना, तुमको खुद को लगेगा भाई सही। अभी देखो मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी मेरे, मतलब फ़ोन में थोड़ा सा क्लैरिटी का इशू है ना, नहीं तो मैं दिखा देता तुम लोग को। चलो बस आज के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको कोई भी न्यू टॉपिक चाहिए डायरेक्ट बिना हिचकिचाए, तुम अपने मतलब कमेंट सेक्शन अपना ही है, तुम उसमें बता सकते हो। और यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलो मुझे को, जल्दी से जल्दी मतलब न्यू ईयर आने से पहले 500 सब्सक्राइबर हिट करने हैं यार, प्लीज़ करा दो भाई, तुम ही लोग हो यार बस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।